तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे कंट्रोल पैनल की, जो कि कुछ इस तरीके से जो है हमारा सेटअप है कंट्रोल पैनल। यहाँ कंट्रोल पैनल पे अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो ये जो दो हैं ये सेंसर जो हैं कॉमन सेंसर हैं जो कॉमन ट्रैक पर होंगे, बाकी वन ट्रैक नंबर एक सेंसर हैं, ये दो के सेंसर हैं और इस तरीके से तीन चार और ये पाँच के सेंसर होंगे। सेंसर के बाद बात करेंगे नीचे, ये है रैक एंड पिनियन के सेंसर, यानी ये ट्रैक नंबर एक का रैक एंड पिनियन का सेंसर है, ये रैक एंड टू का सेंसर है, थ्री फोर फाइव इस तरीके से ये सेंसर काम करेंगे। और यहाँ पे हम लोग इंडिकेशन की बात करें तो ये जो इंडिकेशन है तो ये इंडिकेशन जो होगा ये आपका एयर कंप्रेसर का होगा और ये आपका परिवाश होगा, ये आपका केमिकल के लिए जो है होगा और ये आपके जो ब्रश होंगे ब्रश 19 ब्रश 20 21 और इसके तरीके से 22 के जो है इंडिकेटर ये होंगे, यहाँ से आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन ये जो ब्रश वाले जो भी इंडिकेटर हैं ये केवल और केवल ट्रैक 5 के लिए ही काम करेंगे। आगे अगर अपन बात करें कि जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी पंप होगा वो यहाँ पे ये होंगे, चार पंप होंगे, पहला होगा परिवाश स्टार्ट, दूसरा होगा केमिकल स्टार्ट एंड स्टॉप, उसके बाद अपना यहाँ पे नीचे की तरफ जो होगा ये होगा हाई प्रेशर और आरओ वाटर पंप स्टार्ट। यहाँ पे चार इंडिकेटर इस तरीके से रखे हैं जिसमें से पहला जो इंडिकेटर होगा वो लेवल इंडिकेटर होगा ETP के लिए, दूसरा इंडिकेटर जो है वो केमिकल टैंक के लिए है, तीसरा इंडिकेटर फ्रेश वाटर के लिए है और चौथा जो है वो वाटर टैंक उसके लिए वो इंडिकेटर होगा। ये तो बात हो गई हमारे कंट्रोल पैनल की। यहाँ कंट्रोल पैनल में अगर कोई ये हमारा एक इमरजेंसी बटन होता है, अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ जाती है कंट्रोल पैनल में तो हम लोग ये जो इमरजेंसी बटन है इस इमरजेंसी बटन को पुश करके जो है हम इमरजेंसी स्टॉप कर सकते हैं या फिर पूरे पैनल सिस्टम को रिसेट कर सकते हैं। अब सभी इंडिकेटर के बाद अगर अपन बात करें HMI की, जो मेन कंट्रोल जो पैनल होता है कि मेन कंट्रोल पैनल को किस तरीके से स्टार्ट या स्टॉप किया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो HMI होता है उसका जो डेस्कटॉप होता है होम पेज वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे जो है इस तरीके से दिखता है। अगर इसको चलाने के लिए अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से जो है HMI को कंट्रोल किया जाता है। HMI कंट्रोल करने के लिए अगर सबसे पहले अगर हमें पूरा कंट्रोल पैनल जो ECWP है ऑटोमेटिक का जो वॉशिंग प्लांट है उसे अगर ऑटो पे सेट करना हो, यानी ऑटोमेशन पे अगर पूरा सिस्टम डालना हो जिससे वो ऑटोमेटिक चले, तो सबसे पहले इस कंट्रोल पैनल को ऑन किया जाता है। उसके बाद हम ऑन करेंगे नो वॉश को जिससे कि ये वॉश पे चला जाएगा। यहाँ पे पांच ट्रैक हैं अपने पास जिसमें से एक जो है वो कॉमन ट्रैक होगा जो कि पांचों ट्रैकों से जो है कॉमन होगा। इसके बाद ट्रैक वन ट्रैक टू ट्रैक थ्री ट्रैक फोर और ट्रैक थ्री का स्टार्ट स्टॉप अपन लोग यहीं से कंट्रोल करेंगे। ये जो पांच इंडिकेटर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पांच इंडिकेटर जो होंगे पांचों ट्रैक के SOV यानी कि रैक एंड पिनियन सेंसर के लिए होंगे, जो कि रैक एंड पिनियन सेंसर यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पे ब्रश का इंडिकेशन दिए हुए हैं, फर्स्ट जो दो होंगे पहले दो जो इंडिकेटर होंगे ये कॉमन ब्रश के होंगे, उसके बाद जो चार चार करके ये ट्रैक वन ट्रैक टू ट्रैक थ्री और ये चार ट्रैक फोर और ये चार ट्रैक फाइव के जो है ब्रश इंडिकेटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर पंप, यानी कि ये जो है इंडिकेटर जब ग्रीन हो जाएगा तो ये वाटर पंप स्टार्ट हो जाएगा और केमिकल जो है ये रेड से केमिकल जो है ये रेड से ग्रीन हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक प्लांट चलाने के बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इस प्लांट को मैन्युअली चलाया जाए। अगर किसी बाय चांस अगर कभी हमारा ऑटोमेशन जो है सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, पैनल जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में नहीं है, तो किस तरीके से हम लोग उसे मैनुअल चलाएंगे उसके लिए हम लोग अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप होम बटन देख रहे हैं ये होम बटन पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक मैनुअल खुलेगा जहाँ पे ये पूरा मैनुअल है। इस पूरे मैनुअल को मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो कॉमन ट्रैक है कॉमन ट्रैक वन ट्रैक टू ट्रैक थ्री ट्रैक फोर और ट्रैक फाइव, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है पूरे प्लांट को मैनुअली चलाने के लिए होता है। ETP मैनुअल की अगर अपन बात करें तो ETP मैनुअल पर अगर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे जो मोटर काम कर रहे होंगे, चाहे वो परिवाश मोटर हो केमिकल हो सेंट्रीफ्यूगल मोटर हो आरओ हो, वो सारे हमारे यहाँ से कंट्रोल होंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे किस तरीके से हम लोग जो है कॉमन ट्रैक को या फिर ट्रैक सारे पांचों के पांचों ट्रैक जो हैं उसको हम लोग मैनुअल चलाएंगे। तो सबसे पहले अपन कॉमन ट्रैक पर बात करेंगे। कॉमन ट्रैक पर अपन जैसे क्लिक करेंगे अपन यहाँ पर चार ऑप्शन होंगे जिसमें एक वाटर पंप का ऑप्शन होगा, केमिकल पंप होगा, ब्रश वन और ब्रश टू।
क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो ब्रश लगे हुए हैं, एक वाटर पंप है और एक है डिटर्जेंट पंप यानी केमिकल पंप। तो इसमें जो है अपन डायरेक्ट ही इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लाइन से, जैसे पहले वाटर पंप स्टार्ट करेंगे फिर केमिकल पंप, ब्रश वन एंड ब्रश टू, जैसे अपन लोग स्टार्ट करेंगे हमारा और जो है मैनुअल सिस्टम कॉमन ट्रैक का जो होगा वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। बात करेंगे ट्रैक वन की, तो ये जो ट्रैक वन का तो जो मैनुअल सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ट्रैक वन को मैनुअल चलाने के लिए ट्रैक वन के रैक एंड पिनियन को ऑन करना जरूरी होता है। रैक एंड पिनियन यानी ये जो सेंसर यहाँ पे जो शो हो रहे हैं, ये सेंसर जो है इनको पहले ऑन करना जरूरी होगा। वहाँ पे जो रैक एंड पिनियन सिस्टम लगा हुआ है उसको ऑन करना सबसे पहले ज़रूरी होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले किसी भी ट्रैक में, चाहे वो ट्रैक वन हो, टू, थ्री, फोर या फाइव हो, उसके रैक एंड पिनियन को ऑन करना जरूरी है, क्योंकि बिना रैक एंड पिनियन के ऑन करे कोई भी सिस्टम वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा। सिर्फ ब्रश काम करेंगे, कोई भी पंप काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले एस ओ बी को ऑन करेंगे किसी भी रैक के, जिस भी रैक के अपन को चलानी हो। अब यहाँ पे देखना रैक एंड पिनियन जो है वहाँ का ऑन हो जाएगा। अब ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है रैक एंड पिनियन, तो हम लोग अब इसे मैनुअल चला सकते हैं। तो मैनुअल चलाने के लिए वही सीन होगा जैसे कि यहाँ पे प्रीवाश वन एंड टू लिखा हुआ है, तो पहले लाइन से स्टार्ट करेंगे केमिकल ब्रश थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन हाई प्रेशर अपन स्टार्ट करेंगे, लास्ट में हम स्टार्ट करेंगे आरओ पंप। और बाय चांस अगर अगर किसी का एक मोटर ख़राब है तो स्टैंड बाय मोटर चलानी है तो अपन यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। जैसे पहली मोटर दूसरी मोटर है यहाँ पे, ये पहला पंप होगा दूसरा पंप होगा, इसको यहाँ कर देंगे तो दूसरा पंप स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है मोटर का स्टैंड बाय मोटर को कैसे स्टार्ट करें वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं मैनुअली। और फिर वही सीधा सा स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो अपना वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये सारा काम खत्म हो जाता है वॉशिंग का, वापस से सभी को लाइन से स्टॉप कर दें और एस ओ बी जो है इसको बंद कर दें। एस ओ बी बंद करना सबसे ज़रूरी है, वापस होम पेज पर आएंगे और एस ओ बी बंद करना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। पहले एस ओ पी को बंद कर दें जिससे आपका जो रैक एंड पिनियन होगा वो बंद हो जाएगा और उससे अब और भी काम नहीं होगा अपने आप मैनुअली। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर को 100 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर जो है सेट किया हुआ है। जैसे ही 100 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर होगा कंप्लीट हो जाएगा और जो कंप्रेसर है अपने आप ही जो बंद हो जाएगा। कंप्रेसर जो है वो सबसे पहले ऑन करना ज़रूरी है क्योंकि पानी से रिलेटेड जो भी रिलेटेड पंप होंगे वो तभी ऑन होंगे ट्रैक पर, तब कंप्रेसर में प्रेशर रहेगा। तो कंप्रेसर में प्रेशर जो है रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कंप्रेसर की जो केयर है वो ये है कि हर बार कंप्रेसर को दो या तीन दिन में खाली करना होता है मैनुअली। जो कि इसके नीचे एक वॉल्व दिया हुआ है दिखा देता हूँ, वो जो वॉल्व है आपको दिख रहा है उस वॉल्व के थ्रू अपन एयर है उसको खाली कर लेंगे। एयर के बाद आता है हमारा आरओ प्लांट। आरओ प्लांट जो यहाँ पे लगा हुआ है, यह आरओ प्लांट 30,000 लीटर का टैंक जो कि अंडरग्राउंड है उस 30,000 लीटर से पानी लेता है, फिल्टर करता है और यहाँ से डायरेक्ट जो है आरओ में डाल देता है। आरओ जो टैंक है उसमें फिल्टर कर देता है सारा पानी। यह हमारा डिटर्जेंट टैंक है, यहाँ पे जो भी केमिकल मिलते हैं वॉशिंग के लिए जो भी केमिकल आएगा वो इसमें आ जाएगा। ये 400 लीटर का जो है 400 लीटर का टैंक है, यहाँ पे दो पाइप लगे हुए हैं। इसी 400 लीटर के टैंक में जो केमिकल डल रहा है उसको खींचने के लिए दो मोटर यहाँ पे लगी हुई हैं। ये जो मोटर हैं इनका जो प्रेशर होता है ये 8 मिनट में 2.5 लीटर तक का केमिकल इनलेट करता है टैंक से और ये भेज देता है सीधा मेन लाइन पर, जो कि मेन लाइन यहाँ पे है, जो कि पंप जो मेन वाटर जा रहा है ट्रैक पर, उस ट्रैक पर जो पानी जा रहा है उसमें केमिकल को मिला देता है। जो इसका जो टाइमिंग है वो है 8 मिनट में ये जो 2.5 लीटर का तक का केमिकल सप्लाई करता है और इसको अपन यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके थ्रू अपन इसको सेट भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बात करते हैं अब हाई प्रेशर की, और जो लो प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर पे पानी ट्रैक पे पहुंच रहा है वो किसके थ्रू पहुंच रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मोटरें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी हॉर्स पावर की। एक मोटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में है और एक मोटर जो है वो बाईपास है। यहाँ पे एक बंद है और एक चल्लू है, यानी जो चल्लू है वो है मेन जो वर्किंग कंडीशन में है और जो सेकंड वन है ये हमारी बाईपास कंडीशन में है। तो ये जो मोटर होगी ये हाई प्रेशर के लिए होगी, जो भी जो सप्लाई जा रही है पानी मेन ट्रैक पर हाई प्रेशर जो आ रहा है, हाई प्रेशर वो इस पंप के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे अंडरग्राउंड में 15,000 लीटर का एक टैंक बना हुआ है जिसमें कि मेन पानी भी आ रहा है बाईपास के थ्रू, हम चाहें तो ईटीपी जो भी हमारा रिसाइकलिंग पानी होता है वो पानी हमारा उसमें आ रहा है
तो जो हमारा जमा किया हुआ पानी है उस पानी को हाई प्रेशर पे ये मोटर जो है हमारी चलाती है, और जो हमारा लो प्रेशर जो होता है, जो नॉर्मल प्रेशर होता है पानी का, वो हमारी ये वाली मोटर जो मेन वाटर पंप है, ये जो तीन वाटर पंप हैं ये इसको चलाते हैं। तीनों इसमें वर्किंग कंडीशन में नहीं है, दो वर्किंग कंडीशन में है और एक को स्टैंड बाय रखा हुआ है। इस मोटर को स्टैंड बाय रखा हुआ है और ये दो जो मोटर हैं ये वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से इसमें केमिकल मिलाया जा रहा है, तो ये जो मेन पाइप है यहाँ पर ये कॉमन है, कॉमन से होता हुआ इस पंप से, इन दोनों पंपों से पानी जो है बाहर आ रहा है और कॉमन पाइप में मिल रहा है। इस कॉमन पाइप में दो आउटलेट लगे हुए हैं पानी बाहर जाने के लिए। जो पहला आउटलेट है ये डायरेक्ट जो है यहाँ से होता हुआ सीधा मेन ट्रैक पे जा रहा है, और जो दूसरा आउटलेट है यहाँ से, ये जो दूसरा आउटलेट है इस आउटलेट में केमिकल मिक्स हो रहा है। पहले बात करते हैं इन दोनों मोटर की। ये दोनों मोटर हैं, ये आरओ वाटर पंप है। आरओ वाटर पंप क्या करता है, पॉलिसी टैंक से पानी लेगा, पॉलिसी टैंक से यानी जो ATP जो भी रिसाइकलिंग पानी होगा उस पानी को ये खींचेगा और हमारे आरओ जो सिस्टम प्लांट है आरओ प्लांट में डालेगा, और वहाँ से वाटर को आरओ फिल्टर करेगा। आरओ फिल्टर जब हो जाएगा तो वो उसको आरओ टैंक में फिल कर देगा। उसके बगल में ही हमारे यहाँ पे एक दो मोटर लगी हुई है, एक स्टैंड बाय पे है और एक वर्किंग कंडीशन में है। इसी तरीके से दो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगी हुई है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होंगे ये हमारे पॉलिसी टैंक से पानी को लेंगे, और जो हमारा 15,000 लीटर का जो मेन पंप है जहाँ से हम लोग हाई प्रेशर और लो प्रेशर को जो भेजते हैं वहाँ वाले टैंक में ये पानी डालेगा। टैंक का मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रूम जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस रूम में दो डिवाइडेशन है। पहला डिवाइडेशन इस तरफ होगा जो कि 15,000 लीटर है, इस तरफ जो है वो भी 15,000 लीटर है। इस वाले 15,000 लीटर में जो है हमारा रिसाइकलिंग पानी जो ट्रैक पे जो पानी होता है वो पानी आएगा, जो कि मड पंप है, इसके अंदर एक मड पंप भी लगा हुआ है। उस मड पंप के थ्रू हम लोग ETP के जरिए उस पानी को रिसाइकल करते हैं। जो भी फाइनल जो हमारा रिजल्ट होता है पानी का रिसाइकलिंग के बाद, या फिर अपन मेन सप्लाई से जब लेते हैं पानी, और जो ट्रैक पे जो पानी जा रहा होता है उसके लिए हमारा यहाँ पे टैंक बना हुआ है 15,000 लीटर का। और इसके अलावा जो आरओ का जो टैंक बना हुआ है जो कि 30,000 लीटर का बना हुआ है, 30,000 लीटर का जो आरओ का टैंक है वो हमारा इस तरफ होगा। तो इस तरीके से हमारे टैंक बने हुए हैं तीन, जिनके थ्रू हम लोग पानी को रिसाइकलिंग करते हैं, ट्रैक पे भेजते हैं, और उसी के पानी को हम लोग जो हैं बाहर जो लगे हुए हैं, जो बाहर जो प्लांट लगे हुए हैं इस पूरे प्लांट में, यानी कि जो फ्रेश वाटर है, पॉलिशिंग टैंक है और जो हमारा आरओ टैंक है, उसको फिल करते हैं।